मिडल अर्थ की हिस्ट्री में एलरोंड सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स में से एक था। मिडल अर्थ पर एलरोंड ने पूरे 6,500 साल बिताए और इस दौरान एलरोंड ने कई सारे वॉर्स में हिस्सा लिया और इन्हीं सालों में उसके साथ कई सारी ट्रेजेडी भी हुई। एलरोंड ने एक टाइम पर एल्फ रहना चूज किया और उसे नाम दिया गया एलरोंड दी हाफ एल्विन। मूवीवर्स रिफाइव पर आज हम एलरोंड की पूरी लाइफ स्टोरी को जानेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलती रहें। एलरोंड और उसका जुड़वा भाई एलरोस फर्स्ट एज 532 में हेवन ऑफ सीरियन में पैदा हुए। एलरोंड के पिता एरियांडिल थे और एलरोंड की मदर एल्विंग थी। इस टाइम पर डार्क लॉर्ड मोरगोथ ने पूरे बेयरलैंड पर कब्जा कर लिया था और फ्री पीपल्स के लिए बहुत कम टेरिटरीज बच गई थी। इसी दौरान जब एलरोस और एलरोंड 6 साल के होते हैं तब हेवन ऑफ सीरियन पर सन्स ऑफ फियोनोर अटैक करते हैं। सन्स ऑफ फियोनोर हेवन ऑफ सीरियन पर इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि एल्विंग के पास एक सिलमरिल्स होता है और सन्स ऑफ फियोनोर ने ये ओथ ले रखी थी कि जो भी उनसे सिलमरिल छीन लेगा वो उस पर अटैक कर देंगे और इसीलिए एल्व्स में थर्ड किंगस्लेंग होता है। लेकिन यहाँ पर एल्विंग सिलमरिल के साथ समुद्र में कूद जाती है। यहाँ पर एरेंडिल और एल्विंग एक शिप लेते हैं और वो लोग वेलिनोर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इस वॉर के दौरान एलरोंड और एलरोस सीरियन में ही छूट जाते हैं और वो अपने मदर और फादर से अलग हो जाते हैं। इस बैटल के खत्म होने तक फियोनोर के सिर्फ दो ही बेटे बच जाते हैं, मैदरोस और मैगलोर। जब वो दोनों एलरोस और एलरोंड को देखते हैं तो वो उन्हें अपने साथ ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैगलोर उन पर मर्सी दिखाता है और वो उन्हें अडॉप्ट कर लेता है। इसके कुछ सालों बाद ही वॉर ऑफ रैथ हो जाता है जिसमें एल्व्स और वेलार्स मिलकर मोरगोथ को हरा देते हैं। क्योंकि एलरोस और एलरोंड के फादर एरेंडिल ने वेलार्स की इस वॉर में बहुत ज्यादा मदद की थी, इसलिए वेलार्स एलरोस और एलरोंड को एक चॉइस देते हैं। या तो वो एल्व्स बनकर रह सकते थे या फिर वो पूरी तरह से इंसान बन सकते थे। यहाँ पर एलरोस एक इंसान बनना चूज करता है और उसके अपोजिट एलरोंड एक एल्फ बनने का डिसीजन लेता है, जिसके बाद वो दोनों भाई अलग हो जाते हैं। आगे चलकर एलरोस न्यूमिनोर को फाउंड करता है और वहाँ का राजा बनता है। वहीं दूसरी ओर एलरोंड नोल्डोर एल्व्स के हाई किंग गिल गैलेड के पास जाता है और वहाँ पर उसको सर्व करने लग जाता है। इसके बाद आने वाली सेंचुरीज में एलरोस एक बहुत बड़ा हीलर बनता है और साथ ही वो मिडल अर्थ की हिस्ट्री को भी लिखता रहता है। इसके बाद एलरोस जब 500 साल का हो जाता है तो वो मर जाता है और एलरोंड अगले 1200 साल तक लिंडन में ही पीसफुली रहता है। इसके बाद 1200 सेकंड एज में सौरोन एरियाडोर में आता है। यहाँ पर सौरोन एरियाडोर और लिंडन के एल्व्स को करप्ट करना चाहता था। लिंडन के एल्व्स के आगे सौरोन खुद को लॉर्ड ऑफ गिफ्ट्स बताता है और वो बोलता है कि उसे वेलार्स ने यहाँ पर भेजा है। लेकिन एलरोंड और गिल गैलेड सौरोन को लिंडन में एंट्री नहीं देते हैं, जिसके बाद सौरोन एरोग्योन जाता है और वहां पर कैलेबिम्बोर को करप्ट कर देता है और धोखे से उससे रिंग्स ऑफ पावर बनवा लेता है। इसके बाद 1695 में एल्व्स और सौरोन के बीच में एक वॉर होता है। यहाँ पर लिंडन का हाई किंग गिल गैलेड एलरोंड को एरोग्योन के एल्व्स की मदद के लिए भेजता है, लेकिन एरोग्योन में एलरोंड देरी से पहुंचता है और उसकी आर्मी भी छोटी होती है, इसीलिए वो सौरोन को नहीं हरा पाता और सौरोन एरेग्योन को कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर सौरोन एलरोंड को भी पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी मोरिया के बोने उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। मोरिया के बोने एलरोंड को उस वॉर से निकालते हैं, जिसके बाद एलरोंड नॉर्थ में ग्लैडरिल के पास चला जाता है। अगले 2 साल तक सौरोन सभी आसपास की एल्व्स की टेरिटरी पर कब्जा कर लेता है और उसका अगला टारगेट लिंडन होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर न्यूमिनोर की फोर्स आ जाती है और वो लिंडन की फोर्स के साथ पैक्ट बनाकर सौरोन पर फिर से हमला करती है और इस बार वो लोग सौरोन को हरा देते हैं, जिसके बाद सौरोन को फिर से मोरिडोर की तरफ लौटना पड़ता है। और इसी के साथ गिल गैलेड और टार मिनिस्त्रित रिवेंडल को भी सौरोन की फोर्सेस से फ्री करवा लेते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि रिवेंडल को भी वो एक रिल्म बनाएंगे और वो एलरोंड को वहां का लॉर्ड बनाते हैं। इसके साथ ही वो एलरोंड को एक रिंग ऑफ पावर विलिया भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अगले साल ग्लैडरियल और उसकी बेटी कैलिब्रियन एलरोंड की रिल्म में ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर ग्लैडरियल अपने हस्बैंड कैलिबॉन से मिलती है और साथ ही उसकी बेटी कैलिब्रियन की शादी एलरोंड से करवा देती है। इसके कुछ सेंचुरीज के बाद जब सौरोन न्यूमिनोर को डिस्ट्रॉय कर देता है तब वापस से मिडल अर्थ पर कई सारे न्यू किंगडम्स बनते हैं और इन्हीं इवेंट्स के दौरान एलरोंड एलेंडील से मिलता है और वो एलेंडील की उसके किंगडम को एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पर भी सौरोन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता और वो मिडल अर्थ के फ्री लोगों पर अटैक कर देता है,
जिसके बाद एलरोंड और गिल गैलेड एक पैक्ट बनाते हैं द लास्ट अलायंस। इसके बाद गिल गैलेड और एलेंडील एलरोंड के पास इमलैड्रिस में आते हैं और वो अगले 3 साल तक वहीं पर रहते हैं। यहाँ पर वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार करते हैं और इसके बाद वो लोग मोरेडोर के लिए मार्च कर देते हैं। इसके अगले 7 सालों तक वो लोग मोरेडोर को सीज करके रखते हैं और इस वॉर के फाइनल मोमेंट्स में एलरोंड गिल गैलेड और एलेंडील की सौरोन के अगेंस्ट फाइट को विटनेस करता है और इस फाइट में वो सौरोन को हरा देते हैं, लेकिन इसमें गिल गैलेड और एलेंडील मारे जाते हैं। यहाँ पर इसियल्डूर सौरोन की रिंग को कट कर देता है, जिसके बाद एलरोंड किरिडेन के साथ मिलकर इसियल्डूर को माउंट डूम तक लेकर जाता है। यहाँ पर वो इसियल्डूर को बोलता है कि वो इस रिंग को माउंट डूम में फेंक दे ताकि सौरोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन इसियल्डूर उस रिंग को अपने पास ही रख लेता है और वो उस रिंग की पावर को यूज करना चाहता था। इसके बाद एलरोंड फिर से रिवेंडल आ जाता है और इसके ठीक 2 साल बाद इसियल्डूर जब आर्नोर आ रहा होता है, ऑक्स उसकी हत्या कर देते हैं और इसी बैटल के दौरान उसके 3 बड़े बेटे भी मारे जाते हैं। यहाँ पर इसिल्डूर का गार्ड ओथार एलेंडील की तलवार नार्सिल और उसके सबसे छोटे बेटे वेलेंडील को एलरोंड के पास रिवेंडल लेकर जाता है और यहाँ पर एलरोंड डिसाइड करता है कि वो इस तलवार को तब तक ठीक नहीं करेगा जब तक सौरोन मिडल अर्थ पर रिटर्न नहीं करता और वो वेलेंडील को अपने पास ही रख लेता है। इसके कुछ सालों बाद 133rd एज में एलेंडील को ट्विन सन्स पैदा होते हैं जिनका नाम होता है एलाडॉन और एलहोहिर, और 241rd एज में एलरोंड की बेटी एरविन पैदा होती है। इसके अगले 1000 सालों तक रिवेंडल में पीस रहती है और इसका पूरा क्रेडिट एलरोंड और उसकी रिंग ऑफ पावर को जाता है, लेकिन इसके बाद नॉर्थ में एक डार्क पावर राइज कर रही थी। विच किंग ऑफ एंगमार ने नॉर्थ में एंगमार का राज्य बसा लिया था और वहां से उसने एल्फ्स और फ्रीमैन्स पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद 3rd एज 1409 में विच किंग ऑफ एंगमार ने इमलैड्रिस और रिवेंडल को सीज कर दिया, लेकिन उसी साल ये सीज टूट भी जाता है। एलरोंड की हेल्प करने के लिए लिंडन से और लोरियन से एल्फ सोल्जर्स आते हैं। वो यहाँ से विच किंग की सेना को पीछे खदेड़ देते हैं। इसके बाद कई सेंचुरीज तक उनका वॉर चलता है और इन दी एंड एंगमार को डिफीट कर दिया जाता है। इसके बाद मिस्टी माउंटेन्स को पूरी तरह से फ्री कर लिया जाता है और मिडल अर्थ पर एक बार फिर से पीसफुल टाइम आ जाता है। मिडल अर्थ पर पीसफुल टाइम तो आता है, लेकिन विच किंग ऑफ एंगमार का एक मिशन कम्प्लीट हो गया था। उसने आर्नोर के राज्य को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, जिसमें एक आर्नोर बचता है और दूसरे राज्य का नाम होता है गोंडोर। और इस ग्रेट वॉर के खत्म होते होते एलेंडील के डिसेंडेंट्स बहुत कम बचते हैं और वो लोग रेंजर बनकर जंगलों में रहने लग जाते हैं। इसी टाइम पर एलरोंड के पास मेनस ऑफ सेप्टर और रिंग ऑफ बैरही रहती है, जो ओरिजिनली ड्यूनेडाइंस को बिलोंग करती थी, जिसे एलरोंड आगे चलकर एरागोन को देने वाला था। आने वाले 1000 सालों तक फिर से मिडल अर्थ में एक पीसफुल पीरियड आ जाता है और इसके बाद विजर्ड्स भी मिडल अर्थ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी मार्कवुड के जंगलों में एक डार्क स्पिरिट अपना प्रेजेंस बढ़ा रही थी। इसके बाद जो मिडल अर्थ पर वाइज लोग होते हैं, जैसे कि गैंडाल्फ, सोरोमन, ग्लैड्रियल और एलरोंड, वो अपनी सीक्रेट मीटिंग्स के लिए एक व्हाइट काउंसिल को फॉर्म करते हैं, लेकिन इसके बाद 2510 में एलरोंड के साथ एक बहुत बुरा इवेंट होने वाला था। एक्चुअल में जो एरागोन की वाइफ थी कैलिब्रियन, वो ग्लैड्रियल से मिलने के लिए रिवेंडल से लोरियन जा रही होती है। वहां पर कैथरेस के पास पर कई सारे ऑक्स उन पर अटैक करते हैं और वो कैलिब्रियन को जख्मी कर देते हैं। यहाँ पर एलरोंड के बेटे एलरोंड की वाइफ को बचाते हैं और क्योंकि एलरोंड एक बहुत अच्छा हीलर होता है, वो अपनी वाइफ के जख्म तो ठीक कर देता है, लेकिन वो उसे मेंटली ठीक नहीं कर पाता। इसी कारण 2510 में एलरोंड को अपनी वाइफ को वेलिनोर भेजना पड़ता है, जिसके बाद वो उससे कभी नहीं मिल पाया। इसके बाद 2933 में एरागोन के पिता की हत्या कर दी जाती है और उस टाइम पर वो 2 साल का होता है। एरागोन की मदर उसे गार्ड करने के लिए रिवेंडल लेकर आती है और वहां पर एलरोंड उसका नाम बदलकर एस्टल रख देता है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है होप। और जब तक एरागोन अडल्ट नहीं हो जाता, वो उसे एरागोन की ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताता है। जब एरागोन 10 साल का होता है, तब रिवेंडल में गैंडाल्फ, बिल्बो और थ्योरिन ऑकरशील्ड और बाकी बोने आते हैं। वो इस टाइम पर स्मोक को खत्म करने के मिशन पर होते हैं, जैसा कि हॉबिट में दिखाया गया है, और यहाँ पे एलरोंड उन्हें एरेबोर के सीक्रेट मैप को समझने में उनकी मदद करता है। इसी साल के एंडिंग में व्हाइट काउंसिल डोर गुल्डोर पर अटैक करती है और एलरोंड यहाँ पर ग्लैड्रियल की जान बचाता है जब वो सोरोन से लड़ रही होती है। इसके 10 साल बाद एरागोन एक रेंजर हंटर बन जाता है और वो रिवेंडल को छोड़ देता है। यहाँ पर एलरोंड उसे उसकी सच्चाई बता देता है और इसके बाद एरागोन अपना नाम स्ट्राइडर रख लेता है। इसके बाद 2953 में व्हाइट काउंसिल आखिरी बार मिलती है।
यहाँ पर सोरोमन झूठ बोलता है कि रिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो एंडविन नदी के रास्ते समुद्र में गिर चुकी है। उसे सोरोन कभी नहीं पा सकता और यहीं पर व्हाइट काउंसिल रिंग को ढूंढना बंद कर देती है। इसके बाद एलरोन का अगला मेन इवेंट वॉर ऑफ रिंग के दौरान होता है, जब गैंडोल्फ को पता लग जाता है कि वन रिंग बिल्बो के पास है तो वो उसे फ्रोडो को देता है और वो रिवेंडल में एक मीटिंग रखता है। तब तक गैंडोल्फ को सोरोमन का भी पता चल चुका होता है। इसके बाद नाजगुल्स जब वेदर टॉप पर फ्रोडो को स्टैब करते हैं तब एलरोंड फ्रोडो को हील करता है और इसके बाद फेलोशिप ऑफ रिंग की कहानी शुरू होती है। इसके बाद जब एरागॉन ओथ ब्रेकर्स को वॉर के लिए मनाने के लिए जाता है तब एलरोंड अपने बेटों को एरागॉन की मदद करने के लिए भेजता है। यह पार्ट मूवी में नहीं दिखाया गया। इसके बाद रिटर्न ऑफ किंग में एलरोंड नार्सिल के टुकड़ों को फिर से जोड़ता है और वॉर के लिए उसे एरागॉन को दे देता है, जिसके बाद वो लोग सोरोन को डिफीट कर देते हैं और एरागॉन गोंडोर और आर्नोर का हाई किंग बनता है, जिसके बाद एलरोंड अपनी बेटी एरविन की शादी एरागॉन से करवाता है। यहाँ पर एलरोंड को एक और दुख से गुजरना पड़ता है क्योंकि उसकी बेटी एरविन ने एक इंसान से शादी की थी, इसलिए वो उसी के साथ रहना चूज करती है, जिसके कारण वो एलरोंड के साथ वेलिनोर नहीं जा पाएगी और एलरोंड को वहाँ पर अकेला ही रहना पड़ेगा। इसके बाद एलरोंड फिर से रिवेंडल आता है और वहाँ पर सभी एल्फ्स को फाइनल गुड बाय बोलता है, जिसके बाद वो ग्लैड्रियल, फ्रोडो, गैंडोल्फ और बाकी कई सारे एल्फ्स के साथ वेलिनोर के लिए चला जाता है और हमेशा वहाँ के अनडाइंग लैंड्स पर रहता है। एलरोंड के वेलिनोर पर जाने के बाद उसके बेटों को भी एलरोस और एलरोंड की तरह सेम चॉइस दी जाती है, या तो वो हमेशा इंसान बनकर रह सकते हैं या फिर वो एल्फ बने रह सकते हैं। लेकिन सर, जेआरआर टॉल्किन ने इस कहानी को आगे रिवील नहीं किया और उनका डिसीजन एक मिस्ट्री है। और इसी तरह एलरोंड की पूरी कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।